नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बाबा, आप देख रहे हैं टिकटॉक शो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज देखेंगे तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि देखेंगे तो व्हाट्सअप का जो चैट हिस्ट्री होता है दोस्तों, उसे देखेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में किस तरह से सेव करना है आपके फ़ोन में। हाँ जी, आपके खुद के फ़ोन में किस तरह से सेव करना है आज जानने वाले हैं दोस्तों। एक्चुअल में देखेंगे तो किस फॉर्मेट में होता है, आपको सेव करना है तो .txt फॉर्मेट में होता है। एक्चुअल से देखेंगे तो व्हाट्सअप का जो भी चार्ट हिस्ट्री होता है वो देखेंगे तो .txt फॉर्मेट में होता है। उससे सेव करना, उसे यूज़ करना बहुत रिस्की है दोस्तों। उससे कन्वर्टेबल किस तरह से करना है पीडीएफ में, और देखेंगे तो आपके पास किस तरह से रखना है, पीडीएफ में किस तरह से कन्वर्ट करना है आज देखने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। व्हाट्सअप चार्ट आप सेव करना चाहते हो तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास एक ऐप होना ज़रूरी है दोस्तों। ऐप देखेंगे तो आप देख सकते हैं WPS ऑफिस प्लस पीडीएफ, ये ऐप होना ज़रूरी है दोस्तों। ये ऐप को देखेंगे तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों। इसका साइज़ देखें तो करीब करीब 32-39 MB होता है दोस्तों। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो दोस्तों। देखेंगे तो मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर चुका हूँ दोस्तों। ये देखें तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप ये होना ज़रूरी है दोस्तों। अब अपना व्हाट्सअप ओपन करते हो दोस्तों। व्हाट्सअप देखेंगे तो व्हाट्सअप ओपन करते हैं। व्हाट्सअप ओपन करेंगे तो किसका चार्ट आप सेव करना चाहते हो, किसका चार्ट पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, उस इंसान का उस चार्ट को क्लिक करना ज़रूरी है दोस्तों। उसमें जाइए, जाने के बाद यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप 3 डॉट्स, उस पर प्रेस कीजिए दोस्तों। प्रेस करने पर आपको नीचे देख सकते हैं मोर ऑप्शन, उसे प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने पर आपके पास देखेंगे तो एक्सपोर्ट चार्ट देख सकते हैं ऑप्शन एक्सपोर्ट चार्ट, इस पर प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। प्रेस करता हूँ। प्रेस करने पर आपको देख सकते हैं पॉपअप विदाउट मीडिया इंक्लूडिंग मीडिया। इसका मतलब ये है कि इंक्लूडिंग मीडिया का मतलब ये है कि फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, ये सारे फाइल्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में जो आप सेव करना चाहते हो उसमें होना ज़रूरी है या नहीं पूछ रहा है दोस्तों। मैं केवल चार्ट का हिस्ट्री जाना चाहता हूँ दोस्तों, केवल मुझे चार्ट ही चाहिए, इसीलिए विदाउट मीडिया ऑप्शन को मैं क्लिक करने वाला हूँ दोस्तों। क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर आपके पास देख सकते हैं इस तरह से पॉपअप आने वाला है दोस्तों। देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस है, इसमें जीमेल ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। जीमेल क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों जीमेल किसी को भी आपको सेंड नहीं करना है दोस्तों। केवल यहाँ देखेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे व्हाट्सअप चार्ट विथ बाबा .txt एक्सटेंशन देख सकते हैं। ये फॉर्मेट को ओपन करना है तो MS वर्ड के जैसे भारी वर्कम सेटअप होना ज़रूरी है दोस्तों, बड़े बड़े ऐप्स होना ज़रूरी है, आप इजी से ओपन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए पीडीएफ फॉर्मेट में देखेंगे तो बहुत ही यूज़फुल होता है दोस्तों, कॉमन से सबके पास होता है, इसीलिए पीडीएफ फॉर्मेट में यूज़ करना बहुत अच्छा है दोस्तों। और इसे किसी को भी सेंड नहीं करना है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप 3 डॉट्स ऊपर के साइड में देखेंगे तो उसे प्रेस करना है। प्रेस करने पर देखेंगे तो सेव ड्राफ्ट ऑप्शन है दोस्तों, उसे प्रेस कीजिए। प्रेस करने पर देख सकते हैं मैसेज सेव्ड एज ड्राफ्ट। अब इनबॉक्स में जाना है, यहाँ देखेंगे तो सब मेनू में देख सकते हैं आप ड्राफ्ट, उस पर प्रेस करना है दोस्तों। प्रेस करने पर देख सकते हैं अभी ड्राफ्ट में सेव किया है आपने, जो फाइल है उस पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने पर वो फाइल ओपन होने वाला है, वो फाइल पर सिर्फ क्लिक करना है आपको। क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर देख सकते हैं फिचिंग अटैचमेंट आ चुका है दोस्तों। ओपन विथ किस में ओपन करना है आपको ये पूछ रहा है दोस्तों। देखेंगे तो WPS ऑफिस, इसमें ही ओपन करना है दोस्तों। इस पर प्रेस करता हूँ। प्रेस करने पर देख सकते हैं आप आने वाला है WPS ऑफिस। देखिए दोस्तों किस डेट पर, किस मंथ में, किस साल में, किस टाइम पर किसने क्या मैसेज भेजा है यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। देख सकते हैं टाइम के साथ, डेट के साथ सब कुछ बहुत क्लियर होने वाला है पीडीएफ फॉर्मेट में। अभी से पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना है दोस्तों। यहाँ नीचे देख सकते हैं दोस्तों आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इसे प्रेस करना है। प्रेस करने पर आपके पास कुछ इस तरह से पेज आएगा दोस्तों। देख सकते हैं सारा चार्ट एक पेज में आ चुका है दोस्तों। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ प्रेस करना है। प्रेस करने पर देख सकते हैं दोस्तों या नाम पूछ रहा है, नाम बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो दोस्तों। मैं इसी नाम को कंटिन्यू करता हूँ, व्हाट्सअप चार्ट विथ बाबा .pdf एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करता हूँ दोस्तों। एक्सपोर्ट प्रेस करने पर देख सकते हैं दोस्तों कन्वर्टिंग टू पीडीएफ कहाँ पर सेव हो रहा है, SD कार्ड सेव हो रहा है। आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों,
बाई डिफ़ॉल्ट लोकेशन को भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको इसका फाइल बताता हूँ दोस्तों मेरे एसडी कार्ड में। एसडी कार्ड ओपन करने पर आप देख सकते हैं दोस्तों नीचे व्हाट्सअप चार्ट विथ बाबा डॉट पीडीएफ देख सकते हैं आप। यहाँ देख सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट, टाइम देखिए, डेट देखिए, और देखेंगे तो इसका साइज़ ओपन करता हूँ दोस्तों। ओपन करने पर देखिए सारा चार्ट हिस्ट्री देखेंगे तो सारा चार्ट डेटा एक पेज में आ चुका है दोस्तों। टाइम, डेट, मंथ, ईयर, साथ किसने भेजा है, क्या मैसेज भेजा है, किस टाइम को भेजा है, सब कुछ है दोस्तों पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास है, आपके खुद के पास है दोस्तों। किसी बैकअप में नहीं है, किसी भी तरह का क्लाउड सर्विस में नहीं है दोस्तों, आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में है दोस्तों। बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों, इसे इस्तेमाल कीजिए। मैं सिर्फ विदाउट मीडिया ऑप्शन को सेलेक्ट किया है दोस्तों। मीडिया हो तो मैसेज के बिना फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस भी यही पर होते हैं दोस्तों। इस तरह से आप सेव कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल ऐप होने वाला है, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है दोस्तों। देखेंगे तो सबको शेयर कीजिए ये ट्रिक को, सारे फ्रेंड्स को, फैमिली को बताइए दोस्तों, व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कीजिए दोस्तों। छोटा सा वीडियो दोस्तों आपको बताने के लिए, जाने से पहले वीडियो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, फैमिली फ्रेंड को वीडियो को शेयर करो। जब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।